हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है फॉर्म वर्क रिमूवल टाइम। आपको पता होगा फॉर्म वर्क क्या होता है। फॉर्म वर्क जो आप अगर आप स्लैब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप जो पार्टियाँ लगाते हो, जो बल्लियों से आप स्लैब का बेस तैयार करते हो पार्टियों से, तो उसे क्या कहते हैं हम फॉर्म वर्क। अगर आफ्टर स्लैब कास्टिंग ऑफ स्लैब वो आपको फॉर्म वर्क कब निकालना चाहिए, एज अ कास्टिंग ऑफ कॉलम वॉल कोई भी हो गया, तो उसके बाद आपको फॉर्म वर्क कब निकालना चाहिए, ये सारी डिटेल स्टडी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। अगर आप साइड इंजीनियर हो और नए नए कहीं पे आपकी जॉब लगी है तो आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फॉर्म वर्क रिमूवल टाइम। फर्स्ट है अपना पॉइंट फॉर्म वर्क फॉर कॉलम वॉल वर्टिकल वर्टिकल सेक्शन का कोई भी फॉर्म वर्क हो तो आपको वो फॉर्म वर्क कब निकालना चाहिए। वो फॉर्म वर्क जो होता है आपको कॉलम का हो गया, वॉल हो गया, वर्टिकल सेक्शन का, कहीं भी आपको वो फॉर्म वर्क 16 से 24 घंटों के बाद आपको फॉर्म वर्क निकालना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसकी क्या होती है फाइनल सेटिंग हो जाती है, वो सेट हो जाता है। अगला पॉइंट है अपना सेकंड पॉइंट है द पीरियड फॉर सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू द स्लैब। अगर आपका कहीं स्लैब आपका स्लैब अब बिल्डिंग से बाहर आ रहा हो और वो बालकनी, आपने देखी होगी बालकनी, बालकनी इसका एग्जांपल है, तो बालकनी हो गया और स्टेयरकेस, उसमें भी आपका कई बार स्लैब आता है, तो वह स्लैब आपको 3 दिनों तक उसका जो फॉर्म वर्क है उस स्लैब का, तो आपको 3 दिनों तक उसे निकालना नहीं है, वो आपको 3 दिनों तक रखना है वैसे के वैसे ही। थर्ड पॉइंट है अपना द पीरियड फॉर सॉफिट टू बीम प्रॉप, ये आपको बालकनी भी इसका एग्जांपल है। ये जो फॉर्म वर्क है आपको 7 डेज तक आपको वो फॉर्म वर्क रखना चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है अपना बीम। अगर आप बीम कास्ट कर रहे हो तो उस बीम को जो आप फॉर्म वर्क देते हो तो वो जो बीम की जो लेंथ है वो उसका जो स्पैन है वो आप 4.5 मीटर तक है, तो आपको वो जो फॉर्म वर्क है 7 दिनों तक रखना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा है फॉर्म वर्क स्पैन उसका तो आपको जो फॉर्म वर्क है वो 14 दिनों तक रखना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट आप समझ लीजिए। और अगर आप आर्च कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आर्चेस बना रहे हो, तो वो जो आर्च है 6 मीटर तक है, तो आपको वो जो फॉर्म वर्क है वो 14 दिनों तक रखना है, या 6 मीटर से ज़्यादा है तो आपको वो फॉर्म वर्क 21 दिनों तक रखना है। ये थी सारी बातें जो आपको फॉर्म वर्क निकालने समय याद होनी चाहिए, या तो साइड इंजीनियर आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और बेसिक वीडियो था। तो चलिए आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।